एंड जब भी आप एक पर्टिकुलर ओव्यूल बनाओगे एनाट्रोपस ओव्यूल तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है उसके अंदर हाइलम होता है फ्यूनिकल होता, होता है अटैचमेंट पॉइंट माइक्रोपाइल होता है जहाँ से पॉलिन ट्यूब एंटर करेगी माइक्रोपाइलर पोल होता है आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स होती हैं हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो इन टूडेज क्लास वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर टू दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लॉरिंग प्लांट्स सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है कि फ्लावर क्या होता है एंड यू ऑल नो दैट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट हैज वेरियस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जैसे कि इसके अंदर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आपको दिख रहा है जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल एंड्रोशियम में एंथर इसके अलावा फिलामेंट देखने को मिलता है और गायनोशियम में स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी देखने को मिलता है इसके अलावा वी हैव एक्सेसरी ऑर्गन एज सेपल्स एंड पेटल्स विच आर नॉट दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दी फ्लावर बट वो अट्रैक्ट करने में पॉलिनेटर्स को हेल्प करते हैं प्लांट की तो वो आपको यहाँ मैंशन किए हुए हैं देन वी ऑल नो दैट प्री फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन यू हैव टू स्टडी अबाउट दी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम स्ट्रक्चर सो वी वुड भी स्टार्टिंग विद द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर दैट इज स्टेमिन का स्ट्रक्चर एंड यू ऑल नो दैट अ टिपिकल स्टेमिन हैज अलॉन्ग स्लेंडर स्टॉक विच इज नोन एज द फिल्मेंट एंड अ टर्मिनल बाई lobed structure known as anther anther इज अटैच टू दिस पर्टिकुलर फिलामेंट जैसे कि आप देख सकते हो और वो फिर फिलामेंट का एक एंड थैलमस से या फिर फ्लावर की पैटल से अटैच्ड होता है कितने फिलामेंट्स होंगे कितने लंबे फिलामेंट्स होंगे एंड स्टेमेंट्स का नंबर कितना होगा वो वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज में तो एग्जैक्टली exactly सेम नहीं होता बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इन इन एंड एंजियोस्पर्मिक एंथर अ टिपिकल स्ट्रक्चर इज बायोब्ड तो बाईलोब्ड स्ट्रक्चर आपको दिखता है एंड हर एक लोब में दो

जियाल एंथर एंड जब भी आप पोल की बात करो तो माइक्रोसपोर डेवलप करता है में. तो हर एक बनाता है बाद में जाके तो जब भी आप स्ट्रक्चर करोगे इस तरीके से आपको पॉलनसैक दिखेंगे एंथर के अंदर एंड वो है जो पॉलन ग्रेन्स बनाने में हेल्प करेंगे Then, decents, जहां से डेहसिन स्टार्ट होता है और एंथर से पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज होते हैं आफ्टर दिस अगर आप माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको उसकी फोर वॉल लेयर्स याद रखनी है एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडल लेयर्स एंड टैपेटम एंड इनमें से आउटर थ्री यानी एपिडर्मिस एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन में इसके अलावा वो डेसेंस ऑफ एंथर में भी हेल्प करती हैं ताकि पॉलिस् ईजिली रिलीज हो जाए अगर हम टैपेटम की बात करें तो उसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू दी डेवलपिंग पॉलिन ग्रीन्स और ये नरिशमेंट तभी प्रोवाइड कर पाते क्योंकि टैपिटम के सेल्स में डेन साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन वन न्यूक्लियस वहां पे एग्जिस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट मिडल लेयर सेल्स या मिडल लेयर्स जो होती हैं वो एफीमेरल होती हैं एफीमेरल का मतलब है कि वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करती हैं Then, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि बेसिकली उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है और यही स्पोरोजिनस टिश्यू है जो आगे जाके माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा बाई दी प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स मिओसिस अंडर करते हैं ताकि वो माइक्रोस्पोर्ट एट्रैड्स बना सकें तो जब भी आप स्पोरोजिनस टिश्यू देखोगे उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर एक सेल मीओसिस शो करता है एंड वो मियोसिस की वजह से आपको चार माइक्रोस्पोर्स दिखते हैं एंड ये टेट्राड की फॉर्म में अरेन्ज होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ बताया बाद में ये डिजोल्व होती है इनकी वॉल और सारे माइक्रोस्पोर्स सेपरेट हो जाते हैं तो इस तरीके से आपको माइक्रोस्पोर एनजिया की वॉल लेयर्स दिखेंगी जो मैंने मैंशन करी थी अभी पीछे और बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाता है जो कि आगे जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं एंड टेपेटम जिनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है और नरिशमेंट में हेल्प करते हैं आफ्टर डेजन इस तरीके से यहाँ पे एक अपर्चर सा बन जाता है जिसके थ्रू पॉलनग्रेन्स इजिली बाहर रिलीज हो जाते हैं एंड ये पूरी प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम पोल मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं एंड ये पूरी प्रोसेस में जो भी माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो टेटराइड की फॉर्म में होते हैं बाद में जब ये एंथर मैच्योर होता है डिहाइड्रेट होता है तो माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे के एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ग्रेन्स की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं आफ्टर डे हर एक पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमिटोफाइट की तरह आप कंसीडर उसे करते हो और उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है अलग अलग स्पीशीज में हर एक ग्रेन के पास सबसे बाहर एक एग्जाइन वॉल लेयर होती है जो पोरोपोलिन की बनी होती है यानी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल और उसके अंदर जो वॉल लेयर होती है उसे इंटाइन बोलते हैं जो कि सेल्यूलोज और पैक्टन वगैरह से बनी होती है इसमें से स्पोरोपोलिनन यानी सबसे बाहर वाली लेयर का कंपोजिशन वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से विदस्टैंड करने में या स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली से विदस्टैंड करने में हेल्प कर सकता है एंड कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलिनन को डिग्रेड कर सके okay? इसके अलावा देयर आर सर्टेन रीजन्स ऑन दी द्लाज ऑन दी वॉल ऑफ दी पोलिन ग्रेन जो कि uh, जहाँ पे एग्ज़ाइन यानी स्पोरोपोलिनन बेसिकली एबसेंट होती है इन अपर्चरस को जर्म पोर्स बोलते हैं जिसके थ्रू इंटाइन बाहर आती है और पोलिन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करती है तो वो भी आपको याद रखना है एंड पॉलनग्रेन्स कैन बी वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन इनर वॉल मैंने अभी आपको बताया इंटाइन होती है सेलुलोज पैक्टिन से बनी होती है एंड उसके अंदर फिर प्लाज्मा मेमब्रेन होगी और हर एक पॉलिन ग्रेन जो होता है उसके अंदर दो सेल्स बनते हैं जब वो मेच्योर हो जाता है तो वन इज वेजिटेटिव एंड अनदर वन इज जेनरेटिव जैसे कि आप देख सकते हो वेजिटेटिव इज लार्जर जेनरेटिव छोटा होता है तो कुछ कुछ जो स्पीशीज होती है जैसे ओवर सिक्सटी परसेंट ऑफ द स्पीशीज दे शो शेडिंग ऑफ दॉलिन ग्रेन एट दिस टू सेल्ड स्टेज जिसमें ये दो सेल्स हैं बट कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं यानी रेस्ट ऑफ दर्सेंट स्पीशीज ऑफ एनजियो दे शो शेडिंग ऑफ द पॉलिन ग्रेन एट अ थ्री सेल्ड स्टेट और वो थ्री सेल्ड स्टेज कौन सी वाली होगी जिसके अंदर जेनरेटिव सेल ने दो मेल गैमिट्स बना दिए हैं तो टोटल थ्री हो गए वन वेजिटेटिव एंड टू मेल गैमिट्स पॉलिन ग्रेन्स बहुत एलर्जीज एंड uh, बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी कॉज कर सकता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे आपको यहाँ बताया है पार्थीनियम के बारे में कैरेट ग्रास जो कि एक कंटामिनेंट था इम्पोर्टेड वीट के साथ आया था और ये इसके पॉलन्स पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं एंड पॉलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं इसीलिए इन्हें टेबलेट्स इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स की तरह काफी ज्यादा यूज किया जाता है एंड ये एथलीट्स रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करते हैं अगर आप पोलिन वायबिलिटी की बात करो तो वो बेसिकली वो पीरियड है जिसमें पोलिन ग्रेन्स वायबल रहेंगे और वो वेरी करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल वीट राइस में थर्टी मिनट्स तक का ही वायबिलिटी पीरियड होता है बट अगर आप रोजेसी लेग्यूमिनेसी सोलोनीसी की बात करोगे तो वहाँ काफ़ी टाइम मतलब कुछ मंथ्स तक भी वायबिलिटी रह सकती है एंड आप इन्हें प्रिजर्व भी कर सकते हो पॉलिन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन पर यानी माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस पे एंड अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में पिस्टल आता है आप सबको पता है कार्पल भी बोलते हैं बट तो याद रखना सिंगल पिस्टल को हम मोनोकार्पिलरी कंडीशन बोलते हैं अगर एक से ज्यादा पिस्टल होते हैं तो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन बोलते हैं अगर एक से ज्यादा पिस्टल होते हैं तो वो फ्यूज हो सकते हैं तो सिन कार्पस कंडीशन या फ्री हो सकते हैं तो एपोकार्पस कंडीशन हर एक पिस्टल में तीन पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टाइल इलांगेटेड पार्ट है जो कि ओवरी से कनेक्ट करता है जो कि एक बल्ज्ड पार्ट है गाइनोशियम का एंड ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है जिसे लोक्यूल भी बोला जाता है एंड प्लेसेंटा होता है जिसके थ्रू ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है गाइनोशियम का एंड उसके अंदर सिन या कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है एंड जब भी आप एक पर्टिकुलर ओव्यूल बनाओगे एनाट्रोपस ओव्यूल तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है उसके अंदर हाइलम होता है फ्यूनिकल होता है अटैचमेंट पॉइंट माइक्रोपाइल होता है जहां से पॉलिन ट्यूब एंटर करेगी माइक्रोपाइलर पोल होता है आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स होती हैं न्यूसेलस होता है फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसके अलावा एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर सिनरजेड्स एग एंड एंटीपोडल सेल्स पोलर न्यूक्लियाई वगैरह एग्जिस्ट करते हैं एंड चलेजल पोल होता है हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया जब भी हम मेगास्पोरेंजिया की बात करते हैं याद रखना इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल्स भी बोल देते हैं किसी पर्टिकुलर ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर सिंगल ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इसके अलावा आपको याद रखना है कि सैक को हम फीमेल गैमिटोफाइट बोलते हैं और जो भी प्रोसेस है जिससे कि मेगास्पोर मदर सेल्स मेगास्पोर्स बनाते हैं थ्रू मियोसिस उसे मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है तो ये शुरू होती है माइक्रोपाइलर रीजन पे और वहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो डिवाइड करता है टू सेल्स बनाएगा फिर फोर सेल्स बनाएगा और फोर सेल्स में से थ्री डी हो जाते हैं सिर्फ एक ही परसिस्ट करता है और उसके न्यूक्लियस फिर डिवाइड करते और फिर इस तरीके से सिनर्जेड्स एग सेंट्रल सेल विथ टू पोलर न्यूक्लिया एंड थ्री एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं एंड इस तरीके का आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर दिखता है लार्जेस्ट सेल यहाँ पे कौन है सेंट्रल सेल इज़ द लार्जेस्ट सेल एंटीपोडल सेल्स बेसिकली हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में पोलर न्यूक्लियाई हेल्प करते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में एंड एग जो होता है जाइगोड फॉर्मेशन में एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करेगा एंड सिनर्जिड्स हेल्पर सेल्स होते हैं एंड इनके अंदर फिलीफॉर्म एपरेटर्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो पॉलिन ट्यूब को गाइड करती हैं जब भी ये फीमेल गैमिटोफाइट आपको दिखता है ये फंक्शनल कब होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बेसिकली फीमेल गैमिटोफाइट में दिखती है जो मैंने बताया था कि चार में से सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है मैगास्पोर और वही फिर आगे जाके कम्प्लीट एम्ब्रियोसैक्ट बनाता है इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट तो वो मैंने आपको बताई एंड पहले टू सेल्ड एम्ब्रियोसैक्ट बनेगा देन फोर सेल्ड फिर एट सेल्ड इस तरीके से और फिर उसके बाद कंप्लीट फीमेल गैमिटोफाइट का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो कि एट न्यूक्लियट सेवन सेल्ड होता है इसके अलावा अगर आप पॉलिनेशन की बात करोगे तो पॉलिनेशन बेसिकली एक मैकेजम है जिसके थ्रू से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं इट कैन बी ऑटोगी जिसके अंदर सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पॉलीनेटर्स एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि पॉलिन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी दोनों सिंक्रोनस होनी चाहिए मतलब साथ में होनी चाहिए एंड इसके अलावा एंथर एंड स्टिग्मा काफ़ी पास होने चाहिए इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको मेंशन करें हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दो टाइप के फ़्लावर्स शो करते हैं जैसे ओपन फ्लावर्स जिन्हें चेजनोगस बोलते हैं एंड क्लिस्टो फ्ल... क्लिस्टोगस फ्लावर्स जो कि क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं इसमें एग्जांपल्स आते हैं वियोला यानी पैंसी ऑगजैलिस कॉमेलाइना वगैरह इन सबके अंदर एंथर स्टिग्मा काफी पास होता है अगर आप क्लिस्टोगैमस की बात करोगे और क्लोज्ड फ्लावर्स हमेशा ऑटोगैमी ही शो करते हैं तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हमेशा ऑटोगैमस ही होते हैं एंड उनमें सीड सेट एश्योर्ड होता है क्योंकि वो क्लिस्टोगैमस हैं यानी क्लोज्ड हैं ऑटोगैमी हो ही रही है तो हमेशा सीड्स बनेंगे ही बनेंगे गाइटोनोगी की बात करो तो ये पॉलेंड का ट्रांसफर ही है बट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ऑफ द सेम प्लांट तो एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जब भी ट्रांसफर हो रहा है तो उसे गाइटोनोगी बोला जाता है इसमें जेनेटिकली जो भी इंडिविजुअल बनता है वो ऑटोगैमी की तरह बिल्कुल सिमिलर होता है क्योंकि सेम ही प्लांट के पॉलन ग्रीनस का ट्रांसफर हुआ था तो यहाँ जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता जीनोगी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर डिफरेंट प्लांट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो डिफरेंट प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंड जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टरवर्ड्स एजेंट्स की बात करो पॉलिनेशन के तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं बायोटिक एंड ए बायोटिक में एनिमल्स आते हैं इसके अलावा एबायोटिक में विंड वाटर वगैरह आते हैं जब भी आप विंड की बात करोगे तो उसकी पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है एंड इसमें पॉलिन ग्रीन लाइट नॉन स्टिकी होने चाहिए एंड वेल एक्सपोज स्टेमेंस होने चाहिए लार्ज फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए एंड ये सब ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें एक ही ओव्यूल पाया जाता है बट बहुत सारे फ्लावर्स इन फ्लोरोसेंस की फॉर्म में पैक्ड होते हैं इट इज वेरी कॉमन इन ग्रासेस अगर वाटर की बात करोगे तो वाटर पॉलिनेशन इज लिमिटेड टू अबाउट थर्टी जेनराइन मोनोकॉड्स एंड इसके अंदर क्या होता है एलगी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में आपको पता है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मेल गैमिट्स का ट्रांसफर होता है वो वाटर के थ्रू होता है और वाटर के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन हो रही है ये वाटर पॉलीनेटेड प्लांट्स में ज्यादा कॉमन है जैसे वेलिसनेरिया हाइड्रिला वगैरह जोस्टेरा इन सब के अंदर यही कंडीशन वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलती है इसके अलावा आपको याद रखना है कि कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे एक प्लांट्स हैं जैसे वाटर हाइसिंथ वाटर लिली वगैरह जिनके फ्लावर्स इमर्ज करते हैं वाटर लेवल से और इंसेक्ट या विंड के थ्रू उनका पॉलिनेशन होता है तो उनके अंदर वाटर पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलता वेलिस्ट एरिया के अंदर फीमेल फ्लावर्स वाटर के सर्फिस पे जाते हैं एक लॉन्ग स्टॉक की मदद से और मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर के सर्फिस पे जिसकी वजह से वाटर उन्हें फीमेल्स फ्लावर तक जाने में हेल्प कर सकता है और फिर कैरी आउट होती है अगर आप सी ग्रासेस यानी जोस्टेरा वगैरह की बात करो उसके अंदर फीमेल फ्लावर्स सबमर्ज होते हैं एंड ग्रेन्स रिलीज होते हैं वाटर के अंदर ही और रिबन लाइक उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं एंड वो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं स्टिग्मा तक और पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं पॉलन ग्रेन्स एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर पॉलीनेटेड प्लांट्स में म्यूसिलेजिनस होते हैं मतलब कि उनकी अराउंड म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो उन्हें नॉन स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है वाटर एंड विंड पॉलीनेटेड फ्लावर्स कलरफुल नहीं होते हैं एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर अगर आप एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स की बात करो तो बीज बटरफ्लाइज फ्लाइज़ बीटल्स वैसप ये सब हेल्प करते हैं पॉलीनेशन में एंड इनके लिए अलग अलग टर्म्स यूज़ की जाती हैं अगर हम लार्जर एनिमल्स की बात करें यानी ह्यूमंस वगैरह की तो हम भी पॉलीनेशन करते हैं बाय चांस एंड आपको ये भी याद रखना है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट होते हैं रिच इन नेक्टर होते हैं एंड उनके फ्लावर्स काफ़ी छोटे होते हैं एंड फ्लोरोसेंस में क्लस्टर्ड होते हैं एंड उनकी फ्रेग्रेंस और कलर की वजह से ही एनिमल उनकी साइड अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की साइड एंड अगर आप फ्लाईज और बीटल पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करो तो उनका फोल ऑर्डर होता है तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल नहीं होती एंड नेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स ऑफर नेक्टर एंड पॉलिन ग्रीन्स एज दियर रिवॉर्ड्स जो कि उन एनिमल्स को मिलेगा नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कुछ प्लांट्स हैं जैसे एमार्फोफेलस जिनमें टॉलेस्ट फ्लावर आता है इसके अलावा यूका प्लांट होता है जो कि बेसिकली यूका प्लांट एंड मौत के बीच में एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है मौत जो होता है वो अपने एग्स को डिपॉजिट करता है ओवरी के अंदर और फ्लावर इसके बदले में पॉलीनेट होता है बाय मॉथ तो दोनों की एक दूसरे की दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं नेक्स्ट अगर हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें तो ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो बेसिकली हेल्प uh, करते हैं बायोसेक्शुअल फ्लावर्स को ताकि वो सेल्फ uh, पॉलिनेशन ना शो करके क्रॉस पॉलिनेशन शो करें और वेरिएशन लाएं तो सेल्फ़ पॉलिनेशन से अगर कॉन्टीन्यूसली होती है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है इसीलिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस की ज़रूरत होती है इसके लिए बहुत सारे डिवाइस हैं जैसे पोिन ग्रेन्स और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी इंक्रोनाइज नहीं होती या फिर मतलब ऐसा होता है कि पोलिन पहले रिलीज हो गया स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव बना इस तरीके से दूसरी चीज़ हम बोलते हैं कि एंथर एंड स्टिग्मा की पोजिशन एक साथ नहीं है वो एक साथ प्लेस्ड नहीं है दूर दूर हैं तो इन सब की वजह से ऑटोगामी नहीं होगी और सेल्फ इनकम्पैटेबिलिटी uh, भी एक डिवाइस होता है जो कि इन ब्रीडिंग को रोकता है तो वो आपको यहाँ मैंशन करा है अदर डिवाइस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही शो कर पाते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डाओकी भी आपको देखने को मिलती है ये वही वाली चीज़ है कि एक प्लांट या तो मेल ही होता है या फिर फीमेल ही होती है ये भी ऑटोगिकाइटोनोगी को प्रिवेंट करता है अगर हम पॉलन पिस्टल इंटर की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि रॉन्ग पॉलन को एंट्री नहीं देता है स्टिग्मा तो वो बेसिकली रॉन्ग पॉलन कौन सा हो सकता है या फिर वो दूसरी स्पीशीज़ का हो या सेम ही प्लांट का हो उन सबको सेल्फ इनकम्पैटिबल बोला जाता है अगर वो कंपैटिबल है यानी राइट टाइप का है तो ही उसे एंट्री मिलेगी एंड स्टिग्मा ऐसे एक्सीडेंट्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से पॉलन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाएगा ये पॉलन ट्यूब मेल गैमिट्स को लेके जाता है सिनर्जिड्स के पास जो कि बेसिकली फिलिफॉर्म एपरेटस की मदद से उन्हें गाइड करते हैं और आगे जाके भेजते हैं अब दोनों सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब एंटर करती है और मेल गैमीट्स को भेजती है इस सिनर्जिड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परसिस्टेंट इनर्जिड नहीं होता ये डिजेनरेट हो जाता है और दूसरा जो परसिस्टेंट इनर्जिड होता है वो फिर साथ वाला होता है उसके ऑपोजिट जो प्रेजेंट होता है फिर मेल गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे वो आगे रिलीज होंगे और उनमें से एक मेल गैमिट पोलर न्यूक्लिया तक पहुंचाया जाएगा और एक एग्जेल से फ्यूज कर जाएगा ये सारी चीजें डायलॉग से स्टार्ट हुई हैं बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलग्रेन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है तो वो किस वजह से हो रही है तो जब भी मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा तब जाइगोट बनेगा और जब पॉलर न्यूक्लिया से मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा उससे प्रोड्यूस होगा एंडोस्पर्म बेसिकली पहले बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और फिर उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है जो कि एंडोस्पर्म बनाता है कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो इसके अंदर बेसिकली ई एंड बैगिंग जैसी टेक्निक्स परफॉर्म की जाती हैं यानी बायसेक्शुअल फ्लावर्स से एंथर को रिमूव करना ई इसके बाद बैगिंग कर देते हैं यानी उस पर्टिकुलर ई फ्लावर को बैग से कवर कर देते हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो और उसके बाद जो भी राइट right टाइप का पॉलिन है या जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते थे उसे आप ईजीली ट्रांसफर कर सकते हो और फ्रूट्स को अलाउ कर सकते हो डेवलप होने के लिए नेक्स्ट अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इट इज दैट प्रोसेस वेयर सिंगामी एंड दैट ट्रिपल फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस तो बोथ दीज प्रोसेसेस टुगेदर फॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन से बनेगा, फिर बाद में जाके एम्ब्रियो बनेगा एंड ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा और जो आगे जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड एंडोस्पर्म बनाने में हेल्प करेगा जब भी आप एम्ब्रियो की प्रोडक्शन की बात करते हो तो एम्ब्रियो अलग अलग तरीके से बन सकता है जैसे कि जाइगोट था जयगोट फिर डिवाइड करता है और बहुत सारे सेल्स का एक ग्लोब्युलर एम्ब्रियो जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है एंड उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है एक सस्पेंसर से वो कनेक्टेड होता है एंड उसके बाद एक मेच्योर एम्ब्रियो बनता है जो कि यहाँ डाइकॉट वाला एम्ब्रियो आपको बना के दिखाया हुआ है जिसके अंदर प्लूम्यूल भी है और रेडिकल भी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन वगैरह की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होती है बाद में नहीं एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो बनता है वो ट्रिप्लॉइड होता है इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स इसमें फूड रिजर्व्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को एंड ये पूरी प्रोसेस के थ्रू एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर बन सकता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म में बहुत सारे न्यूक्लियाए आए हैं बट देयर आर नो मतलब देयर इज सिंगल सेल और एक सेलुलर एंडोस्पम भी बन सकता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लिया के अराउंड सेल वॉल आ जाती है और बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं एंडोस्पम के केस में तो एंडोस्पम ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीटली कंज्यूम कर ले एम्ब्रियो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो परसिस्ट करे तो परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट एंडोस्पम की हम टर्म्स यूज़ कर सकते हैं एम्ब्रियो की अगर बात करोगे तो एम्ब्रियो की जो पूरी स्टेजेस होती हैं उनकी डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं एंड इसके अंदर ग्लोबुलर हार्टशेप द मैच्योर एम्ब्रियो वगैरह की फॉर्मेशन होती है डाइकोट एम्ब्रियो इस तरीके का दिखता है जिसमें दो कॉटिलिडन्स एक प्लूम्यूल रेडिकल रूट कैप हाइपोकोटाइल देखने को मिल सकती है एंड अगर आप इसके अंदर बात करो मोनोकॉट एम्ब्रियो की तो उसके अंदर जो कॉटेलेडन होता है उसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं इसके अलावा कोलियोप्टाइल आपको देखने को मिल सकता है कोलियोराइजा देखने को मिल सकता है जो कि शूट अपेक्स प्लूम्यूल और रेडिकल को कवरअप करते हैं इसके अलावा एपी ब्लास्ट भी आपको देखने को मिल सकता है जो कि बोला जाता है कि सेकेंड कॉटेलिडन के कुछ रेमिनेंट्स हैं उसकी तरह आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है का बेसिकली काम था प्रोटेक्शन का तो ये शूट एंड रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं सीड्स की अगर हम बात करते हैं जो कि ओव्यूल की, की फर्टिलाइजेशन के बाद बने थे तो सीड्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे सीड कोट कॉटिलिडन एम्ब्रियो का एक्सेस मैच्योर सीड्स नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं यानी उनके अंदर एंडोस्पर्म ना हो या फिर एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट करे तो वो

है, ती हैं तभी सीड जर्मिनेट करता है अगर आप फ्रूट वॉल की बात करोगे तो उसे पेरिकार्प बोलते हैं जो कि ओवरी की वॉल से बना था एंड वो आपको यहाँ मेंशन करा है नेक्स्ट आपको फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट्स के बारे में बताया हुआ है तो फॉल्स फ्रूट जो होते हैं वो बनते हैं थैलेमस वगैरह की कंट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन के लिए तो वो आपको मैंशन करा है जैसे एप्पल स्ट्रॉबेरी कैशियो वगैरह ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं वो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होते हैं तो उन्हें ट्रू फ्रूट्स बोला जाता है मेजोरिटी ऑफ दी फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स इसके अलावा पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं और वो सीडलेस होते हैं जैसे बनाना वगैरह सीड्स इस तरीके के दिखते हैं सीड कोट आपको इस तरीके का दिखेगा एंडोस्पर्म यह आपको लेबल किया हुआ है कॉटिलेडन भी ये इमेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वाली भी ये दोनों आपके एग्जाम में आ सकती है तो आपको इनकी लेबलिंग अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ लेबल्ड है देन अगर हम बात करें ये मैंने आपको पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स अभी बता ही दिया कि क्या होता है सीड्स बहुत सारी एडवांटेजेस देते हैं जैसे सीड्स पॉलिनेशन आपको पता है पॉलीनेशन फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो वाटर के इंडिपेंडेंट होता है बट सीड फॉर्मेशन वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है तो सीड जर्मिनेशन तभी होगी जब वाटर अवेलेबल है और सीड्स बहुत सारे न्यू एरियाज़ को कोलोनाइज करने में प्लांट की हेल्प कर सकता है एंड फूड रिजर्व भी प्रोवाइड करता है ताकि सीडलिंग्स को नरिशमेंट प्रॉपर मिलती रहे एंड हार्ड सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को तो वो आपको यहाँ मैंशन किया है इसके अलावा आपको कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि जैसे ल्युपाइन का जो ओल्डेस्ट सीड है वो आपको मिला आर्टिक टुंड्रा में मतलब साइंटिस्ट को वो मिला था एंड वो माना गया था कि दस हजार ईयरस से वो डॉर्मेंट था एंड इसके अलावा टू थाउजेंड ईयर ओल्ड वायबल सीड भी डेट पाम का मिला फिनोक्स फेरा बोलते हैं इसको साइंटिफिक नेम है तो वो आपको मेंशन किया हुआ है इसके अलावा एपोमिक्सिस एंड पोली जैसी टर्म्स हम यूज़ करते हैं एपोमिक्सिस इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन पोली एम्ब्रियोनी इज द कंडीशन वेयर मोर देन वन एम्ब्रियो एग्जिस्ट इन अ सिंगल सीड तो वो आपको याद रखना है एपोमिक्सिस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है क्योंकि सीड प्रोड्यूस कर रहा है पॉली एम्ब्रियानी आपको सिट्रस मैंगो फ्रूट्स वगैरह में देखने को मिल सकती है जिनमें मोर देन वन एम्ब्रियो एक ही सीड में एग्जिस्ट करता है नेक्स्ट आपको यहाँ बताया हुआ है कि जो भी हाइब्रिड वेराइटीज होती हैं उन्हें उनके लिए क्या करना पड़ता है फार्मर्स को हाइब्रिड सीड्स लेने पड़ते हैं और उन्हें एवरी ईयर वो परचेज करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो काफी ज़्यादा फार्मर्स के लिए हेक्टिक हो सकता है एंड इसके अलावा मनी कंज्यूमिंग भी हो सकता है तो इसीलिए हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं उनकी जगह एपोमिक्टिक सीड्स अगर ग्रो करते हैं हम तो उनके अंदर सेग्रीगेशन कैरेक्टर्स का नहीं होता क्योंकि म्योसिस वगैरह नहीं हो रही है फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो इसीलिए उन्हें सीड्स एक बार बाय करके फिर काफ़ी सालों तक वो उन्हें यूज कर सकते हैं तो वो आपको यहाँ मैंशन किया है आई होप यू लाइक दिस वीडियो वी विल कम विद अ डिफरेंट टॉपिक For the next video, chapter number three, Yani Human Reproduction. Till then, goodbye. Thank you.